मैं कहाँ हूँ? अभी तक आप इसी दुनिया में हैं। और अपने ही घर में हैं। आप सीढ़ियों से गिर गई थी और आपके बदन से खून भी बहा। खून? ज्यादा नहीं, सिर्फ दो बाल्टी। हाय राम, दो बाल्टी खून? हाँ, डॉक्टर ने कहा अगर फौरन खून ना दिया गया तो आपका बचना मुश्किल है। फिर क्या, हम आपको ऐसे थोड़ी मरने देते हैं। बड़ी मुश्किल से एक ऐसे आदमी को ढूंढ निकाला जिसका खून आपके खून से मिलता है। आपको इस वक्त उसी का खून दिया जा रहा है। भगवान उसको और उसके बाल बच्चों को सुखी रखे। कौन है वो भला मानुस? वो देखिए। हले राम, इस अछूत का खून दे रही हो मुझे? अरे रे 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 रे, मेरा तो जीवन भ्रष्ट कर डाला। शांति शांति शांति। ठीक है, अगर आपको इसका खून नहीं चाहिए तो अभी डॉक्टर से कह कर ये सुई निकलवा देते हैं। अब सुई के निकलते ही आपकी जान भी निकल जाएगी। हरे राम। और आप हरे राम से बोलो राम हो जाएंगे। कहिए, निकलवा दे सुई। अरे नहीं नहीं, रहने दो रहने दो। नर्स, सुई निकालो। अरे घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, जितना खून चाहिए था दे चुके हैं। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। शंकरलाल जी। हाँ, आता हूँ। हरे राम 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 हरे राम। राजेश बेटा, ये सब क्या हो गया? क्यों आंटी, क्या हुआ? ये अछूत है। अछूत नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। हरे राम हरे राम, मैं अछूत हूँ। जी हाँ राजेश बेटे, काम करना। अपने बंगले के पिछवाड़े जहाँ रामू का झोपड़ा है ना, वहाँ इनके लिए भी एक झोपड़ा डलवा देना। क्या? हाँ, अभी सुमर में ये बिचारी कहाँ जाएंगे? अरे ये ठीक है अंकल, जैसे आप कहें। मैं बेटा, ये कुएं के पास ना आने पाए। क्यों चाची? अरे अछूत का साया पड़ने से कुएं का पानी भ्रष्ट हो जाता है। हरे राम, तुम लोग सब क्या बक रहे हो? मैं अछूत का क्या हूं? जब से आपके शरीर में इस अछूत माली का खून गया है। खून से क्या होता है? खून तो सबका एक जैसा है। क्या कहा, क्या कहा आपने? तू तो मेरी बहू है, तू ही इन्हें समझा। हम सबका खून एक जैसा है, खून का रंग एक जैसा है। अगर हम सबका खून एक जैसा है, खून का रंग एक जैसा है, तो फिर ये छूत अछूत का भेदभाव गलत है ना? गलत है, गलत है। शाबाश शाबाश, आपके मुंह से ये शब्द सुनने के लिए हम कब से इंतजार कर रहे हैं। बहन जी, अछूत वो होता है जिसके दिल में कोई दया न हो, जो धर्म के नाम पर अधर्म करता हो। आप ठीक कहते हैं, आज आपने मेरी आंखें खोल दी भाई साहब। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मुझे। श्रीमती जी, यहां भी हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। चले।